हेलो डियर, नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने देखा पेट के मैथ व रीजनिंग के सिलेबस को। आज हम लोग मैथ व रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि यदि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो क्या होता है, 100%। 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं कि 100% क्या है, सोना है। तो हमसे पूछा है 18 कैरेट अगर है सोने, 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत क्या होगा। तो 24 कैरेट में क्या है, 100%। तो 1 कैरेट में क्या होगा, 1 कैरेट में 100/24। 18 कैरेट में कितना होगा, 18 कैरेट में क्या होगा, 100/24 × 18। 6 से काटेंगे 4, 3, ये 4 से 25, यानी क्या आ गया, 75%। यानी 18 कैरेट में सोने का प्रतिशत क्या होगा, 75%। अगला प्रश्न है, 885 × 885 + 115 × 115 / 115 × 115 - 885 × 115। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या है, एक फिक्स पैटर्न पे है। क्या है, किसका क्यूब है, 885 का क्यूब है और ये 115 का क्यूब है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला याद रहना चाहिए। क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। इसी तरीके से हमें सारे फार्मूले याद रहना चाहिए, कौन कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारे फार्मूले हमें क्या रहना चाहिए याद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये दो बार हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फार्मूले हमें याद रहेंगे तो इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे उनको हमें सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, उसका क्या होता है, एक ब्रेकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 885 का क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 885 + 115, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 × 115 अपान, ये क्या हो जाएगा, 885 का होल स्क्वायर, 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, दो बार है तो क्या हो गया, स्क्वायर माइनस 885 × 115। तो ये क्या हो गया, इससे कट गया ये वाला, तो बचा क्या, इतना, ये कितना आ गया, 1000, क्या हो गया, 1000। यानी ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तीन बार है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 885 का क्यूब प्लस 115 का क्यूब, इसी का फार्मूला हमने इसको तोड़ के इस तरीके से लिख दिया। नीचे वाला क्या है, सेम है, कट गया, आ गया इतना। अगला प्रश्न है, √5 - √3/√5 + √3, इसका मान क्या होगा। जब भी इस तरीके के प्रश्न रहे तो हम क्या करेंगे, ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे को क्या है, हर। तो हर का परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण करने क्या करते हैं, केवल संख्या सेम रहेगी, बीच का चिन्ह बदल देते हैं, उसी से क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। यानी कहने का मतलब, हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे जो हर में है उसका चिन्ह बदल के, यानी √5 - √3/√5 - √3।
इस तरीके से हम इसका गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री। इसका क्या है, ये वर्ग हो गया। जब दो बार है, जैसे 2 × 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। ये चीज़ें क्या हैं, 2 बार, तो क्या हो गया, स्क्वायर अपान, ये क्या है, फार्मूला बन गया, कौन सा, एक कोष्टक में क्या है a+b, एक कोष्टक में क्या है a-b, तो किसका फार्मूला हो गया, √a² - b² यानी a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b² यानी ये क्या हो जाएगा, √5² - √3² अब ये क्या हो जाएगा, a-b² क्या होता है, a², तो √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो √ क्या होगा, हट जाएगा। जैसे √2 × √2, 2 बार √2 का गुणा होगा तो ये √ क्या होता है, हट जाएगा, क्या आएगा, 2। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, √2 का मतलब क्या हो गया, इसको हम एक √ में लिख सकते हैं, यानी √2 × 2 इस तरीके से है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं एक में, तो ये क्या होगा, पेयर बन के एक बाहर आएगा, तो क्या आ गया, 2। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर कर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, −2√5 × 3 15, अपान ये क्या हो जाएगा, 5 - 3, तो ये कितना हो गया, 8 − 2√15/2, 2 से काट दें, क्या आ जाएगा, 4 − √15, 4 − √15 क्या हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, मूल्य, पहले मूल्य जो था मान लीजिए कि 100 था, अब क्या है, मूल्य 30% घट जा रही है, तो अब मूल्य कितना हो गया, 70। पहले मूल्य था 100, अब मूल्य हो गया 70। यदि अगर माने पहले बिक्री 100 था तो अब बिक्री कितना है, 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 120। तो ये क्या है, मूल्य और बिक्री, तो पहले कमाई कितनी थी, यहाँ पे उसकी आय कितनी आती थी, जब 100 मूल्य था तो 100 बेचता था, तो कमाई कितनी हो गया, गुणा करेंगे 100, इतना पहले इतना कमाता था, अब कितना कमाएगा, 70 मूल्य है, 120 वस्तुएं हैं, तो कितना हो गया उसकी कमाई, 84, यानी पहले इतना का उसकी आय थी, अब कितना हो गया, इतना। हमें पूछा है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे, अनुपात ले लें, कितना हो जाएगा, 1, 2, 1, 2 बार, यानी पहले 100 कमाता था, अब कमा रहा है 84, कितना कम कर रहा है, 16% क्या हो जाएगी कमी, 16% क्या हो गई कमी। प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, मतलब पहले जितना कमी होगा, कमी कितना है, पहले 100 था, हो गया 84, कमी कितना आ रहा है, 16 बटे कितने पे, 100 पे, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये क्या आ गया, 16। इनडायरेक्ट हम कह दें 16%, जब 100 पे दिया है तो क्या हो गया, 16%। जैसे यदि पहले आप 15 रुपये कमा रहे थे, अब क्या है, 10 रुपये कमा रहे हैं, तो पूछेगा कितना प्रतिशत कम हुआ, तो कैसे निकालेंगे, कितना कम हुआ, 5, कितने पे, 15 पे कम हुआ, प्रतिशत के लिए गुणा 100, ये क्या हो जाएगा, 3 बार, ये आ गया आपका 33, सही 1/3%, प्रतिशत चेंज इस तरीके से निकालते हैं। एक बार फिर समझते हैं, क्या कहने का मतलब है, पहले मूल्य 100 था, ये क्या है, मूल्य 100 था, 100 से 30% घट गया यानी 70 हो गया,
अब बिक्री क्या है? यदि बिक्री पहले 100 थी, यदि बिक्री पहले 100 थी तो 20% बढ़ गई यानी 120 हो गया, तो उसकी आय कितनी है? ये पहला वाला आय है, तो जब मूल्य बिक्री का हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? आय। ये क्या है? बाद वाला मूल्य है इनटू बिक्री, ये क्या आ गया? इतना। तो प्रतिशत के लिए हमें कंपैरिजन करना है, पहले प्रतिशत में पूछा है कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करते हैं? अनुपात निकाल लें। तो ये क्या हो गया? 100 से 84 यानी कितना प्रतिशत चेंज हुआ? 16%। अगला प्रश्न है, चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दिया है चार खिलाड़ी, यानी यहाँ क्या हो गए? लोग, कितने लोग हैं उनका औसत, यहाँ क्या होगा? योग, यानी अगर चार लोग थे तो औसत क्या था? 8.5 औसत था। जब चार लोग थे तो औसत कितना था? इतना। अब क्या हो गया? पांच लोग हो जा रहे हैं तो औसत क्या है? 20% बढ़ जा रही है। तो 20% का मतलब क्या हो गया? 18.5 का 20% कैसे निकालेंगे? गुणे 20/100, ये कितना आ जाएगा? 1/5। अब इसको हम काटेंगे, क्या आएगा? 3.7, यानी क्या हो गया? औसत 3.7 बढ़ गया, यानी पहले 18.5 था, अब कितना हो गया? 3.7 बढ़ के कितना हो गया? इसमें ऐड कर दें, यानी 18.5 + 3.7 ये कितना आ गया? 22.2, यानी चार लोगों का जो औसत था वो 18.5 है, पांच लोगों का औसत 22.2 है। तो पांच लोग में ये पांचवा कौन है? कोच है, तो इसी का पूछा है कोच की उम्र क्या होगी, यानी इन चारों का योग कितना था? 72 = 74। इनका कितना हो जाएगा? 10 11 11, यानी 111। चार लोगों का योग 74, कोच को भी मिला दें तो 111। तो कोच का उम्र क्या होगा? ये 74 घटा दें, वो क्या होगा? कोच का उम्र, तो 74 माइनस कर दें, क्या आ गया? 11 में से 4 गया 7, 10 में से 7 गए 3, यानी क्या हो गया? 37 वर्ष क्या है? कोच की उम्र। तो कैसे हम निकालते हैं? चार लोग थे तो औसत क्या था? 18.5, तो उनका योग कितना होगा? 74। औसत का मतलब क्या हो गया? औसत इनटू जितने लोग हैं गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? योग। यही ना होता है? औसत बराबर, किसी का भी औसत निकालना है तो क्या निकालेंगे? योग बटे संख्या, यही औसत का फार्मूला होता है। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। यदि हम योग निकालेंगे तो क्या करेंगे? औसत में संख्या से गुणा कर देंगे तो योग निकल जाएगा। तो औसत दिया है 18.5, चार लोग थे, योग कितना आ जाएगा? 74। अब क्या कहता है? यदि कोच को भी शामिल कर लें, यानी कुल कितने लोग हो गए? पांच लोग, तो उनका औसत कितना होगा? 20% बढ़ जाता है। पहले औसत जो था 18.5, उसका 20% निकालेंगे, कितना आ गया? 3.7, यानी टोटल कितना हो गया? 22.5, यानी पांच लोगों का योग कितना है? इतना। तो ये पांच लोगों का है, ये चार लोगों का, तो इसमें से घटा देंगे तो वहीं जो पांचवा कोच है उसका क्या निकल जाएगा? उम्र। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि रीजनिंग में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा? यानी ओर्निथोलॉजी पक्षी से संबंधित है तो नृविज्ञानी मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? तो ये क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनुष्य के नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नृविज्ञानी, यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ये किससे संबंधित हैं? मानव से। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो
निम्न से मेल नहीं खाता जो भिन्न है, कौन कौन सा है? दही, मक्खन, तेल, पनीर, इन सब में कौन सा भिन्न लगता है? तेल, क्योंकि दही, मक्खन, पनीर सब क्या हैं? एक ही चीज़ से बने हैं, दूध से ही। दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर, लेकिन तेल क्या है? अलग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेल। अगला प्रश्न है, प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है तो ओरिएंटेशन को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम देखें कि प्रोडक्शन को ये कैसे लिख रहा है। यहाँ देखें तो क्या है, पी, पी से क्यू, आर से क्यू, यानी पहले क्या हो रहा है, पी क्यू, एक ज़्यादा फिर एक कम, एक ज़्यादा एक कम, एक ज़्यादा एक कम। इसी तरीके से ओरिएंटेशन का करेंगे तो ओ का एक ज़्यादा क्या होगा, पी। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, ख़त्म। अब बचा क्या, आर है, तो एक बार ज़्यादा हो रहा है, एक बार कम, आर से जब कम आएंगे तो क्या होगा, क्यू। तो तीसरा ऑप्शन भी ख़त्म, बचा दो। अब दो में हम क्या चेक करते हैं, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, यन और पी से। तो यन से क्या आ रहा है, ओ, और ओ से क्या होगा, एक कम, यन, यानी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पहला। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? रीता क्या है, एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, कौन कह रहा है, निखिल ने, कि मैं उसकी माँ, यानी क्या हो गई, उसकी माँ मतलब रीता, ये क्या हो गया, रीता, रीता की माँ, ये क्या हो गई, रीता की माँ, मैं उसकी माँ के पुत्र, अब इसका पुत्र यानी माँ का पुत्र मतलब इसका भाई, इसके पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ये कौन है, निखिल। निखिल ने कहा रीता से कि मैं रीता के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ये कौन है, यही निखिल है। पूछा है कि रीता निखिल से किस प्रकार है, तो रीता निखिल की क्या लगेगी, यानी ये इसका पिता है, पिता का भाई क्या होता है, बहन, बुआ, पिता का जो बहन होगी वो इसका क्या लगेगा, बुआ, पिता की बहन क्या होगी, बुआ, तो रीता क्या है, यानी कि बुआ। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार, तो पूछ रहा है कि उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे। तो हम सब लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे कि अगला सोमवार कब पड़ रहा है, तो 25 को है तो क्या होगा, 26 को, 27, 28, 29, यानी 26, गुरु 25 को गुरुवार, तो ये शुक्र, शनि, रवि, सोम, यानी 29 को क्या पड़ रहा है, सोमवार। अगस्त का महीना है तो अगस्त कितने दिन का होता है, 31 दिन का, 30, 31, आगे सोमवार पड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 7 पीछे हम करेंगे तो पता चलेगा किस तारीख को सोमवार था, तो 7 हम पीछे करेंगे तो क्या आएगा, 22, फिर 7 पीछे 15, फिर 7 पीछे 8, फिर 7 पीछे 1, यानी 29 को सोमवार था, फिर 22 को सोमवार, 15 को सोमवार, 8 को सोमवार और 1 को, यानी उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़े, 5 सोमवार। तो इस तरीके के जब भी प्रश्न पूछे तो हम निकाल लें कि सोमवार या कुछ भी जो पूछा है वो कब पड़ रहा है, उसी हिसाब से 7 पीछे करते जाएंगे या आगे, उससे हमें पता चल जाएगा। जैसे यदि प्रश्न दे कि 25, 15 नवंबर को, 15 नवंबर को रविवार है, 15 नवंबर को रविवार है, तो उस महीने में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 15 को क्या है, रविवार, हमसे पूछा क्या है कि बुधवार कुल कितने पड़ेंगे, तो हम निकाल लें कि अगला बुधवार कब पड़ेगा, तो 15 को यदि रविवार है
तो 16 को सोम, मंगल, बुध, यानी 18 को क्या होगा? बुधवार। 18 तारीख को क्या हो गया? बुधवार। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि 18 को क्या है? बुधवार, तो फिर अगला बुधवार कब आएगा? 25 को। फिर जब 7 जोड़ेंगे क्या आएगा? 32। नवंबर क्या है? 30 का महीना, तो अगला बुधवार होगा नहीं, इसके पीछे देखते हैं। 7 जाएंगे पीछे, क्या आ जाएगा? 11। फिर 7 पीछे क्या आ जाएगा? 4। अब 4 से पीछे जा नहीं सकते, यानी उस महीने में 4, 11, 18 और 25, कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? 4। क्वेश्चन क्या था कि 15 नवंबर को यदि रविवार है तो उस महीने में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालने की अगला बुधवार कब पड़ रहा है। तो अगला बुधवार 18 तारीख को। अब हम लोग देखते हैं 18 से आगे 25, 25 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि नवंबर क्या है? तीसी का महीना। तो 25 साथ करेंगे तो 32, यानी 25 को बुधवार, फिर 18 को, फिर 11 को, फिर 4 को, 7 कम या ज़्यादा करते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अगला मिलता जाएगा। यानी 18 को यदि बुधवार है तो 7 कम करें, 7 ज़्यादा 25 को बुधवार, या 18 7 कम 11 को बुधवार, 11 7 कम 4 को बुधवार। इस तरीके से हम निकालते हैं।